पगार की बात है। एक मंदिर में सभी लोग पगार पर थे। आरती वाला, पूजा करने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश ही में नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि अपने मंदिर में काम करते सभी लोग पढ़े लिखे होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक का पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहिब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें रखा नहीं जाएगा। दूसरे दिन से मंदिर में नए लोगों को रखा गया परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर पर चले गए और विनती करी कि तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल के दे देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको नौकरी की जरूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि इस एक दुकान से सात दुकान और सात दुकानों से एक फैक्ट्री खोली। अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता चला गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया, 7 लाख का खर्चा है फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस कर दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ वही चलेगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहिब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की कर ली, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। सारांश यह है दोस्तों कि कोई भी कार्य कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी काबिलियत हमारे भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं अगर शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य आपके साथ कर देगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।